हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती लगभग 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली है कि कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता रखी गई है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पूरा नोटिफिकेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे रखा है, उसे जरूर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देख सकते हो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन जो आवेदन है दोस्तों, वो 24 जनवरी से आपके शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 24 जनवरी से आपके शुरू हो चुके हैं और यहां पर देखोगे दोस्तों 13 फरवरी तक आपको फॉर्म भरना है इसका। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, क्या उम्र सीमा रखी गई है, क्या इसकी योग्यता है, ये अपन देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हो भारत का कोई भी नागरिक यहां पर जो है इसका आवेदन करने का पात्र रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। भारत का कोई भी नागरिक इसका फॉर्म भर सकता है। तो अब यहां पर इसकी आयु सीमा की बात देखेंगे दोस्तों, 45 वर्ष से लेकर 20 वर्ष, यानी कहने का मतलब अधिकतम आयु 45 वर्ष और यहां पर दोस्तों न्यूनतम 20 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। ठीक है ना। अब इसमें आयु में छूट भी दे रखी है, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो 54 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 12वीं पास रखी गई है और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 10वीं पास रखी गई है। ठीक है ना। तो 12वीं पास वाला इसमें फॉर्म भर सकता है। और यहां पर ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसमें फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पूरा सिलेबस भी बताऊंगा अभी, क्या क्या फिजिकल वगैरह में पूछा जाएगा और क्या यहाँ पर जो है आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पुरुष की अगर अपन बात करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपको और छूट भी यहाँ पर दी जाएगी जो है कैटेगरी के अनुसार। और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं दोस्तों शारीरिक मापदंड की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें आप देखोगे दोस्तों दौड़ होगी यहाँ पर। ठीक है ना। पुरुष के लिए जो दौड़ है वो 30 वर्ष तक की आयु का अगर कोई पुरुष है तो 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी, 6 मिनट उसको देंगे। ठीक है। जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसको टाइम ज्यादा दे दिया जाएगा दौड़ में, और दौड़ आपकी सेम रहेगी 1600 मीटर, लेकिन टाइम जो है ज्यादा दे दिया जाएगा उम्र के अनुसार। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों की बात करूंगा तो देखो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर जो है 30 वर्ष तक 8 मिनट देंगे। ठीक है ना। बाकी जैसे महिला अभ्यर्थियों की आयु बढ़ेगी उसमें आपको छूट दे दी जाएगी आपके दौड़ के अंदर। ठीक है ना। तो दौड़ और यहाँ पर जो आपका हाइट यहाँ पर होने वाला है, इसके अलावा कोई इसके अंदर दूसरा टेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बात करते हैं, अब इसके बाद में होगी आपकी लिखित परीक्षा। देखो दोस्तों क्या होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में 80% आएंगे आपके MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 80%। ठीक है ना। 1% एक अंक का होगा, कुल मिलाकर आपके 80 अंक होंगे दोस्तों। ठीक है ना। और 90 मिनट का, यानी 10 मिनट ज्यादा टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर 10वीं पास यानी जो 10वीं स्तर का जीके है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें देखो आपके नॉर्मल अंक गणित आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति रीजनिंग। ठीक है ना। ये इतिहास संस्कृति दिल्ली से संबंधित, भारत का संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स। ठीक है ना। और ये प्रश्न पत्र जो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप जो है ये इसमें एनसीसी के जो है आपके सर्टिफिकेट के भी नंबर आपको मिलेंगे, अगर आपने होमगार्ड में सेवाएं दे रखी है तो उसके भी नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप। इसके अलावा दोस्तों अगर जो है आप ये फिजिकल टेस्ट पास करते हो उसके बाद में जो है आपका जो है रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आवेदन करने के लिए शुल्क मात्र 100 रुपये आपका यहाँ पर रहने वाला है, केवल 100 रुपये से आप जो है फॉर्म भर सकते हो, इससे ज्यादा फीस आपकी नहीं लगेगी। ठीक है। अब गुरु जी ये जो भर्ती है आपकी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली के लिए निकाली गई है, यानी दिल्ली होमगार्ड के अंदर। दिल्ली होमगार्ड की ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। और दिल्ली होमगार्ड के अंदर दोस्तों अगर जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के हो, आप कहीं के भी हो लेकिन आप वहां रह रहे हो, तो वहां पर आप एग्रीमेंट बनवा सकते हो, रेंट एग्रीमेंट, या आपका कोई रिलेशन वगैरह रह रहा है, आपका मित्र रह रहा है या कोई भी रह रहा है, उस तरीके से आप जो है एक रेंट एग्रीमेंट वगैरह या वहां का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आप दे सकते हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य के हो, जरूरी नहीं कि आपकी पैदाइश दिल्ली में ही हुई हो। ठीक है ना। ये वहां पर नहीं कहा गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसका फॉर्म भर दीजिएगा, कोई भी रेंट एग्रीमेंट वहां पर बनवा लीजिएगा। ठीक है ना। उसके लिए भी मैं जल्द ही आपके लिए बता दूंगा कि कैसे क्या बनाना है आपको। अच्छी वैकेंसी है, आपको 25 से 30 हजार रुपए तक वेतन यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर। ठीक है ना। तो जल्दी आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, शानदार भर्ती है। दिल्ली के अंदर कोई भी जॉब हो दोस्तों, आप सभी को बताया शानदार नौकरी होती है वहां पर, चाहे वो किसी की भी हो, अच्छा वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती है, बढ़िया है। ठीक है। तो आराम से इसका फॉर्म भरे, महिला पुरुष दोनों पात्र हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह भी पात्र हैं, लेकिन दिल्ली के लिए थोड़ा सा आपको जो है
इसका वो आपको बनाना होगा, जिसमें आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हो इसमें आपका कोई चुनावी फोटो कार्ड भी हो सकता है, कोई मान्य चीज हो सकती है, पासपोर्ट वगैरह हो सकता है वहाँ का, कोई वैध राशन वगैरह हो सकता है वहाँ का, ठीक है ना। परिवहन विभाग का कोई भी आपका वहाँ पर हो सकता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है दिल्ली का बनाया हुआ, रेड क्रॉस वगैरह दिल्ली से कर रखा है, ठीक है ना। कोई भी आपका हो दिल्ली में, आपका आवासीय पते के साथ फोटो युक्त, यानी मतलब आप अगर दिल्ली में रह रहे हो या कोई भी रह रहा है तो उसका आप बना सकते हो रेजिडेंस का, ठीक है ना। राजस्व विभाग का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी चल जाएगा, मतलब आप इतने सारे में से, ठीक है। तो जरूर आप अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, और मैं जल्दी इसके लिए आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है इसके लिए वहां पर जो है आप बनवा सकते हो। तो आप जो है हमारा यहाँ पर है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अन्य भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी विद एम के, यहाँ पर आपको पशु परिचर का पूरा लाइव कोर्स चल रहा है, वो आपको दिया जा रहा है अभी गणतंत्र दिवस के ऑफर पर मात्र 899 रुपये में, जिसमें बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।